देखो, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 34 जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिखता है, टू एलिमेंट्स फॉर्म ए कंपाउंड हैविंग मोलेकुलर फॉर्मूला Ab2 एंड Ab4। दो एलिमेंट्स है, ठीक है, ए और बी, जो कि फॉर्मूला बना रहा है Ab2 और Ab4 व्हेन डिजॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब सॉल्वेंट का मास आपको दिया हुआ है, बेंजीन में डिजोल्व कर रहा है तो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। अब कहता है 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आया है कितना है, 2.3 ग्राम, जब हम लोग किसको डिजोल्व कर रहे हैं, एम यहां पर Ab2, Ab2 को डिजोल्व किया जा रहा है कितना, 1 ग्राम, ठीक है। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ Ab4, लेकिन अगर Ab4 अगर लिया जाए, Ab4 1 ग्राम, तो देखो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट में पहले केस में जो कमी आई है डेल्टा टी, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट ये Ab2 के लिए वो है कितना, 2.3 केल्विन, और डेल्टा टी एफ Ab4 के लिए ये कितना है, 1.3 केल्विन। अब क्या कहता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, मतलब केएफ का वैल्यू बेंजीन के लिए दिया गया है 5.1 केल्विन केजी पर मोल, ये दिया हुआ है। तो कहता है एटॉमिक मास ए और बी का क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ ए क्या होगा और एटॉमिक मास ऑफ बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेल्टा टी एफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के एफ इंटू मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर गिवेन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी 1000 अपॉन गिवेन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक का करके दोनों के लिए हम लोग पता करते हैं कि क्या वैल्यू होना चाहिए Mb का, मतलब मोलर मास Ab का क्या होना चाहिए, Ab2 का क्या होना चाहिए, मोलर मास Ab4 का क्या होना चाहिए। तो फोर द सॉल्यूट Ab2, Ab2 के लिए पहले बात करेंगे, तो डेल्टा टी एफ Ab2, Ab2 का बात करेंगे सबसे पहले। तो Ab2 की बात जब करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, अब यहां देखो ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के रूप में यहां क्या है, MaB2, तो यहां लिखेंगे MaB2 अपॉन मोलर मास ऑफ MaB2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहां क्या है बेंजीन, या यहां लिख सकते हो कंफ्यूजन मिटाने के लिए, ये बेंजीन बेंजीन ही है क्या, Ma मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो यहां पर आप इस तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल लो, तो MaB2 का वैल्यू सॉल्व करना, ये वैल्यू आता है, हमने सॉल्व किया है तो ये वैल्यू आया है 110.87, ये वैल्यू आएगा 110.87 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। अब देखो इसका मतलब ये मोलर मास Ab2 का आ गया है इतना, तो मोलर मास Ab2 का मतलब क्या हुआ, Ab2 के एक मोलेक्यूल में एक एटम Ab का है, Ab2 के का एक मोलेक्यूल में एक एटम ए का है और दो एटम बी का है। तो अगर आप लिखो, अगर आप कैलकुलेट करो 4 Ab2
टू, अगर आप मोलर मास फॉर ए बी टू, मोलर मास ऑफ ए बी टू अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या होगा, ए प्लस या लिखो एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस टू इंटू, यहां पर दो बी है तो टू इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी, और ये जोड़कर कितना आ रहा है 110.87। तो सिंपली आप इसको ए का एटॉमिक मास को ए ले लो और बी के एटॉमिक मास को बी ले लो, तो टू इंटू बी इक्वल टू 110.87। तो टू इंटू बी की जगह टू बी भी आप लिख सकते हैं, इसको एक इक्वेशन रख लो, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फोर ए बी फोर निकालेंगे। तो उसी तरह अब ए बी टू की जगह हम लोग किसका निकालेंगे, नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ फोर्स, नाउ फोर द सॉल्यूट ए बी फोर। अब ए बी फोर के लिए निकालेंगे जब, तो यहां पर सब ऐसे कर लेते हैं, ए बी फोर यहां भी कर देते हैं, ए बी फोर यहां भी हम ए बी फोर कर देते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के रूप में यहां तो बेंजीन ही रहेगा। तो यहां जो वैल्यू आने वाला है ए बी फोर का, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ए बी फोर का जो मोलेकुलर मास आने वाला है वो 196.15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मोलर मास ए बी टू का जब ए बी फोर का जब निकालेंगे तो इसका मतलब इसमें एक एटम ए का है और चार एटम बी का है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस फोर इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी, और ये वैल्यू कितना आने वाला है 196.15 आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस और बी के एटॉमिक मास को आप बी ही मान लीजिए, तो बी और यहां पर क्या करेंगे हम लोग फोर, और ये वैल्यू कितना आने वाला है 196.15, इसको आप इक्वेशन टू ले लीजिए। अब आपके पास दो इक्वेशंस है और दो अननोन वैल्यू है ना, और वही दोनों को आपको निकालना है। तब आगे आप क्या करोगे कि आपके पास एक इक्वेशन आया, इक्वेशन ए में आया था 1 प्लस 2 बी इक्वल टू 110.87, ये 87 आया है, ये आपका इक्वेशन वन है, और इक्वेशन टू आया है ए प्लस 4 बी इज इक्वल टू 196.15, ये इक्वेशन टू है। अब आप देख लो आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों ए और बी का वैल्यू निकाल लो, वही एटॉमिक मास ए और बी का हो जाएगा, ठीक है। तो आप ए का वैल्यू निकाल लो क्या है, वही एटॉमिक मास ए का हो जाएगा, और बी का वैल्यू निकाल लो वही एटॉमिक मास बी का हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आपको निकालना है, हमने आपको बता दिया।